एक बार फिर से विविन डिसेना और रजत दलाल में हो गई है बहस, बात आ गई है फाइट तक। जी हाँ, आखिर क्या हुआ, किस बात को लेकर रजत दलाल फिर से हैं विविन डिसेना से नाराज और गए हैं विविन के पास। क्या कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस सीजन 18 के घर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर में राशन आया और राशन में कुछ रीज़न दिए गए थे कि आपको ज़्यादा राशन मिल सकता है अगर आप घर का कोई भी रूल ब्रेक नहीं करें, जिस चीज़ को लेकर सभी घर वाले के अलग अलग ओपिनियंस थे। किसी का कहना था रूल ब्रेक नहीं होगा, ज़्यादा राशन मंगा लो, किसी का कहना था कि कुछ ना कुछ रूल ब्रेक हो जाएगा और जो राशन हमें अभी मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाएगा। तो वैसा ही कुछ हुआ, दिन में रजत को नींद आ गई और रूल ब्रेक हो गया, जिसके चलते रजत को काफ़ी ज़्यादा घर वालों ने टोंटबाजी की। खास करके बात की जाए अविनाश, ईशा और एलिस की, ये तीनों बैठे हुए थे और जान रहे थे रजत सो रहा है, उसके बावजूद इन्होंने उन्हें नहीं उठाया, जिसके चलते कुकड़ुकू बचा। और फिर अब ऐसा एक बार फिर से हुआ, एक और रूल ब्रेक हुआ, लेकिन ये रूल ब्रेक हुआ है घर के टाइम गॉड यानी कि विवियन डिसेना से। विवियन लेते थे अपने मुंह पे हैंकी रख के, जिसके बाद कुकड़ुकू बच जाता है और रूल ब्रेक होता है। और इसी चीज़ को लेकर रजत आखिर कैसे छोड़ दे विवियन को, वो आते हैं विवियन के पास और सेम चीज़ को लेकर उनसे टोंटबाजी करने लगते हैं। वहीं रजत विवियन पे चढ़ते हुए भी नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाकर उन्हें सुनाने की कोशिश करते हैं कि भाई औकात में रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन ने आज रजत को नॉमिनेट किया और रजत का नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया। जी हाँ, यानी कि रजत जिन्हें नॉमिनेट करना चाहते थे उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया, जिस चीज़ को लेकर रजत हैं नाराज़ और खफा। आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जा रहा है सही, कौन जा रहा है गलत, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टेली न्यूज़।